हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं आप सबसे काशी इंस्पायर्ड मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ बहुत ही ईजी वे में गए गए गए। उनकी वीडियो में मैंने देखा था उन्हें अपनी ब्रेड पे मेकअप करा हुआ था आइज़ पे. बहुत इजी है बहुत ज़्यादा और ऐसे आप अपने कोई भी ड्रेस के अकॉर्डिंग या अगर आपका इस कलर का कोई ड्रेस हो आप उस पर आराम से कर सकते हो बहुत जल्दी हो जाता है ये मेकअप तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मैंने अपने आईब्रोज़ को और आइस को कंसील कर लिया था आईब्रोज को फिलअप कर लिया था तो सबसे पहले मैं अपनी ये एन वाई बे की वाइट पेंसिल पिगमेंटेड है बहुत ज़्यादा इससे मैं अपनी ब्राउन को और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ जो कि काशी अपने आइस मेकअप करने से पहले सबसे पहले करते हैं हाईलाइट है है तो अपनी आई शेड पैलेट से मैं सबसे पहले ये वाला कलर ले रही हूँ पिंक कलर का शेड है ये इसे मैं अपनी आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ क्रीज लाइन के ऊपर एज अ ट्रांजिशन शेड में इसे अप्लाई कर रही हूँ बैक एंड फोर्थ में आपको कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश लेना है अच्छा सा और ब्लेंडिंग ब्रश नहीं भी हो तो नॉर्मल आप कोई सा भी ब्रश ले लीजिए बस उसका ऊपर से थोड़ा ये फ्लफीनेस होनी चाहिए उस ब्रश में जो कि बैक एंड फोर्थ में अच्छे से आपके आई शेडों को ये ब्लेंडिंग करता रहे तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ तो पिंक शेडो है ये आप कोई से भी अपनी आई शेडो पैलेट से अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल हो उसमें ये कलर हो उसे अपना आई शेडो अप्लाई कर लीजिए तो नेक्स्ट मैं अपनी इसी आई शेडो पैलेट से ये डार्क पर्पल सा शेड है उसे मैं अपने यहाँ पे लिड पे अप्लाई कर रही हूँ पूरा आपको इस तरीके से लिड पे ही अप्लाई करना है तो ब्रश से इसका इतना अच्छा टेक्सचर नहीं आ रहा था लिड पे तो मैंने ब्रश के साथ फिंगर से अप्लाई करना स्टार्ट करा तो फिंगर से इसकी अच्छी आ, अच्छी पिगमेंटेशन आई और कलर भी अच्छे से लग रहा था और जो एग्जैक्ट था हमारा एशेडो पैलेट में वही कलर हमारा फिंगर से अच्छे से लग गया तो फिंगर से आप मैट शेडो या शिमर शेडो जो भी अप्लाई करो बहुत अच्छी पिगमेंटेशन आती है तो अब मैं दोबारा से वो पिंक और पर्पल को शेडो को मिक्सअप कर रही हूँ दोनों को क्रीज लाइन में तो आपको दोबारा ब्लेंडिंग करनी है और थोड़ा सर्कुलर मोशन में और बैक एंड फोर्थ में आप ब्लेंडिंग करते रहिए जितना अच्छे से आप हो सके ब्लेंडिंग करिए हार्शनेस ख़त्म करनी है हमें और बहुत ही अच्छा सा लुक लाना है ब्लेंड करने के बाद जैसा कि काशिश के उस ब्राइडल मेकअप में था तो मैं दोबारा से वही पर्पल कलर अप्लाई कर रही हूँ फिंगर से क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन थोड़ी कम हो गई थी ब्लेंड करने के बाद वो हो जाती है आप कोई सा भी आई शेडो से आप करोगे तो हो जाती तो है पिगमेंटेशन कम तो दोबारा लगा लिया करिए तो मैं यहाँ पे अपना लाइनर अप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने म्यूज़िक खुला कर जे लाइनर लिया है तो ये अपने इस ब्रश के हेल्प से लगा रही हूँ मैं सिंपली लीड पे अप्लाई करना है पूरा आपको तो नीचे देखते हुए आप फ्रीजिए आप लीड पे अपनी जो भी हमारी जो अपर लैश लाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें बस अप्लाई करना है सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले विंग में हमेशा लास्ट में बनाती हूँ पहले मैं अपना लाइनर अप्लाई करती हूँ सिंपली एक लाइन ड्रॉ करके तो वो वाला ब्रश मुझे नहीं उससे मुझे लाइनर ही लग पा रहा था पता नहीं तो क्यों इसलिए मैंने फिर ये जो म्यूजिक कलर का जेल लाइनर के साथ ही लाइनर के साथ ही ब्रशेस मिलते हैं दो एक, एक एंगल ब्रश होता है और एक ऐसे तरीके का होता है तो इससे लाइनर बहुत इजीली और बहुत ही अच्छे से लग जाता है तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके अब मैं यहाँ पे विंग बना रही हूँ विंग आपका बहुत इजीली बन जाएगा आपको इस तरीके से बाहर की तरफ लगाना ही काशी इसका सिग्नेचर लाइनर है विंग लाइनर है बहुत इजी वे में ये लग जाता है तो यहाँ पे मैंने विंग बनाने के बाद उस विंग पे ही मैंने यहाँ पे आई शेडो छोटा सा लिया है पेंसिल ब्रश उससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पर आप ध्यान से देखिएगा ये विंग विजिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके आई मेकअप में विजिबल नहीं था विंग नहीं था उन्हें बस आउटर कॉर्नर पर ब्लैक शेड से ब्लेंड करा हुआ था तो इस तरीके से विंग बना के आप ब्लेंड कर लोगे तो आपका आई मेकअप बहुत परफेक्ट लगेगा बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे आपको इस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है अंदर की तरफ इस ब्लैक लाइनर से ही आपकी यहाँ आउटर कॉर्नर पर ब्लैकनेस अच्छी सी आ जाएगी और अब मैं यहाँ पे लोअर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ पिंक शेडो जो था पिंक एंड पर्पल दोनों को मिक्स करके मैंने अप्लाई करा है तो अब मैं पे वाइट पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ ये स्टेक उर् वाइट काजल पेंसिल है बहुत ही अच्छी है बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका और नेक्स्ट मैं अपना मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपनी अब अप लोअर लैस अपर लैस दोनों में मस्कारा अप्लाई करना मस्ट होता है मस्कारा मैं कम कम अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मस्कारा हमारी आई को नुकसान देता है बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ हर हफ्ते में दो तीन बार तो बना ही लेती हूँ तो इसलिए मैं इतना मस्कारा नहीं अप्लाई कर रही हूँ और अगर आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हो तो आपको मस्कारा भर भर के अप्लाई करना है तो मैंने यहाँ पे अपने इस आई शेडो पैलेट से ब्लू ग्लिटर लेके और इस यहाँ पे बस बीच में ही मैंने स्टिक करा है फिंगर से ही थोड़ा सा बस टैप टैप करा है जैसा कि उनकी वीडियो में दिख रहा है तो अब यहाँ पर मैं एल एस अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही ईजिली यहाँ पर एलश भी अप्लाई हो जाएंगी आपके ग्लू लगा के आपको छोड़ना है फिफ्टीन ट्वेंटी सेकेंड वेट करना है और फिर स्टिक कर देना है बहुत ईजीली स्टिक हो जाएंगी और ये रहा मेरा फाइनल लुक तो था ना कितना सिंपल और ईजी मेकअप कैशी से इंस्पायर ट्यूटोल तो अपने आप को इसी इतने पर्पल ड्रेस पर्पल एंड ब्लू कलर का मिक्सचर होगा आपका ड्रेस पे बहुत अच्छा लगेगा ये मेकअप और अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चाहे अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो कोई अगर मेकअप क्रिएट करवाना चाह रहे हो आई मेकअप मुझसे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लल्ला हाफिज़